वैगना नी चार जी वैगना नी उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले छत्तियां मैंने इको नारदा मैं दस बारी फारदा मैं ओदे उत्तों सौ सौ दियां गत्थियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले छत्तियां दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं करण। आज हम आए भाई राम कार डेकोर पर। हमारे सामने राम भाई। राम भाई क्या हालचाल? बढ़िया भैया। क्या लेके अपनी ऑडियंस के? भैया अपनी ब्रीजा एलेक्सा ही रहने वाले, इसको बेस टू टॉप कर रहा हूं पूरा कन्वर्ट। ठीक है, फुली कन्वर्ट कर रहे हैं। बेस वेरिएंट यहां पर आ रखा है अपना ब्रीजा का। फ्रंट से क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं? फ्रंट रियर स्किड प्लेट चेंज कर दी मात्र 800 रुपए में। ठीक है, रिप्लेस कर चुके हैं, कोई पेंट वाला सिस्टम नहीं है। इसके बाद मेन का फ्रंट में ये फॉग लाइट एलईडी, कुछ फॉग लाइट कंपनी से लग के आई थी एलईडी, अभी देखो रात तक में हो जाएगी। पर इसमें फ्रंट से 360 कैमरा लग रहा है। 360 कैमरा बेस मॉडल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ये मिरर खुल चुके हैं, मिरर में भी कैमरा लग रहा है। गाड़ी डैम्प हो रही है। ऑटो फोल्डिंग कर रहे हैं? ऑटो फोल्डिंग नहीं कर रहे। ठीक है, गाड़ी डैम्प हो रही है। आगे भाई डोर से भी देख लो भाई, यहाँ पर ओपन गए, पन्नी टाइप सिस्टम हट जाएगा और डैम्पिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अंदर हैवी लग रहा है। ठीक है, और अपना सिस्टम क्या कहते हैं, 9 इंच रहने वाला है। अल्ट्रा ऑडियो में बाकी भाई यहाँ पर दिखा दू बैक के डोर्स की फिटमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। पूरी फिटमेंट इसमें कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद बैक से बात कर लेंगे भाई। इसमें स्किड प्लेट साइड में भी पीछे स्किड लग रहा है और रिफ्लेक्टर लग रहा है। इसके बाद फ्लोरिंग हो रही है, सीट कवर लग रहा है, सॉफ्ट है, सारे ही काम हो रहे हैं। इंटीरियर भी हो रहे हैं, पूरा इंटीरियर सब कुछ हो रहा है। रात के टाइम गाड़ी है भाई, कब भेजोगे फिर गाड़ी? भैया 8-9 बजे तक गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। सब कुछ मात्र सामान रेडी होता है भैया, सारे कुछ जेन्युइन पार्ट्स। डिस्काउंट दे रहे हो 95% डिस्काउंट। और बाकी भाई बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बंदा मेरे से मीटर चेंज कराएगा उसके लिए क्रूज कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मीटर चेंज करना पड़ेगा, मीटर की कॉस्टिंग थोड़ी पड़ जाती है। हाँ जी, तो जिस भाई को करवाना हो वो अपग्रेड करवा सकते हैं। बाकी एसी इवेंट की वर्किंग चल रही है हाँ, तो एसी क्लाइमेट होने वाला बहुत जल्दी, क्योंकि उसका सामान थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है जो इसके अंदर लगता है। वो आते ही एसी क्लाइमेट भी प्रॉपर वर्किंग हो जाएगा। कॉल का ऑडियो का इसमें सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, स्पीकर के अंदर रहने वाला है। बाकी एम्पलीफायर भी लग रहा है इसके अंदर मोको कंपनी का। ठीक है, बाकी ये सारी वर्किंग है। राम भाई आना कहाँ पर है? दिल्ली करो लोग, राम गाड़े को रहो ना सीधे। उसके बाद एक चीज ये भी लगा रहा हूँ। अच्छा, वैनिटी मिरर। हाँ जी भैया, टॉप मॉडल वाला रिप्लेसमेंट सीन, क्योंकि इसके अंदर मिरर नहीं आता बेस मॉडल के अंदर। इसके ऊपर सनग्लास होल्डर भी लग रहा है। ठीक है, सनग्लास होल्डर, डैशबोर्ड रिप्लेस कर रहे हैं। डैशबोर्ड भी चेंज हो रहा है भैया, डैशबोर्ड पूरा टॉप मॉडल वाला लगा रहे हैं। ठीक है, जेन्युइन अपग्रेड है नागिन के साथ। नागिन के साथ। ठीक है, ये सारी वर्किंग के लिए आपके लिए बेस्ट हो रहा है। राम का डेकोर आओ ना सीधे, राम का डेकोर पर आना भाई। ऐसे कुछ बेस मॉडल है, अलॉय व्हील्स नहीं लगा रहे? अलॉय व्हील नहीं लगा, कस्टमर को नीड नहीं। अलॉय व्हील की जिस बंदे को अलॉय व्हील लगाना, मात्र 15,000 रुपए में लगा के दे दूंगा बेस्ट टू टॉप। 15,000 में बेस्ट टू टॉप पर। ठीक है, बाकी भाई बेस मॉडल की लुक मैंने चेकआउट करा दिया, थोड़ी देर में टॉप मॉडल लोग चेकआउट कराते हैं। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी ब्रीजा हो चुकी कंप्लीट, साथ में अपने राम भाई कंप्लीट, सारा पूरी कंप्लीट हो गई भैया। बेस वेरिएंट था अपना, बेस वेरिएंट था इसको, मतलब इसमें मेन काम हुआ अपना सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम अपग्रेड करा गया, इंटीरियर अपग्रेड करा गया इसके अंदर, बस एक अलॉय व्हील्स की मिसिंग है, अलॉय व्हील की और हेडलाइट में एलईडी की मिसिंग है, सारा काम हुआ। ठीक है, फ्रंट से बात करें भाई, क्या कुछ चेंजेस करेगा? फ्रंट में फ्रंट रियर स्किड प्लेट चेंज कर दिया है। ठीक है, जो हमने बताया था मात्र 800 रुपए में। फ्रंट और बैक दोनों? फ्रंट और बैक दोनों। हेडलाइट में बात कर ले, स्टॉक रखा गया अभी के लिए? स्टॉक रखा हुआ, जिस बंदे को एलईडी लगवाना मात्र 2000 से एलईडी स्टार्ट है। 2000, बाकी टॉप मॉडल हेडलाइट की क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है? मात्र 19,000 रुपए में दोनों पेयर दूंगा और डब्बा पैक दूंगा, लॉट वाला कोई माल नहीं दूंगा, मायापुरी वाला। ठीक है, मतलब मार्केट में सस्ते सस्ते मिल रही है यार। वो मायापुरी वाला माल है ना, डब्बा पैक लो ना 19,000 में, डब्बा भी अनबॉक्स करो अपने हाथों से। चलो भाई ये मिल जाएगी आपको यहाँ पर। फॉग लाइट इसमें कंपनी से लगी हुई है? कंपनी से लगी है, जिस बंदे को मेरे से लगवाने मात्र 1000 रुपए में लगा के दे दूंगा फॉग लाइट। और बाकी भाई पेस्टिंग आइटम का बताओ? 95% डिस्काउंट चल रहा है जेन्युइन एक्सेसरीज पे, जितने भी पेस्टिंग आइटम, जितने भी पेस्टिंग आइटम पे। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर बात करें, सीसी कैमरा अपग्रेड कर रहे हैं, वर्ल्ड व्यू वाला कैमरा लगाया, ये चेक करो फ्रंट फ्रंट में आ चुका है और दोनों स्टॉक मिरर में आ चुका है। ये देखो, ये स्टॉक मिरर है जो लग के आया था कंपनी से। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात कर ले, अलॉय व्हील्स क्या कॉस्टिंग पड़ रही है? मात्र 15,000 में बेस्ट टू टॉप में। 15,000 बेस्ट टू टॉप, टॉप में खाली। जितने भी प्राइसिंग है बेस्ट टू टॉप मॉडल वाले, टॉप वाले के लिए। मिरर में ऑटो फोल्डिंग चाहिए तो भाई एक 5,000 रुपए का भी खर्चा, एक 8,000 का भी खर्चा। डिफरेंस क्या है? 5,000 में मोटर लग सकती है, 8,000 में पूरे मिरर चेंज हो जाएंगे मेरे साथ। फिर 8,000 ही 8,000 वाला ही सिस्टम बढ़ेगा, देखो उससे आप पानी में कर लो कुछ भी कर लो, मोटर नहीं खराब होनी। जेन्युइन डब्बा बैग, जेन्युइन डब्बा बैग होता है। ठीक है, साइड में कुछ पेस्टिंग आइटम्स इसमें नहीं अपग्रेड करे गए, कस्टमर को बिल्कुल सिंपल सोर गाड़ी रखनी थी। डैम्पिंग करिए? हाँ डैम्पिंग करिए ना, ये चेक करो। ठीक है, तो डैम्पिंग के बाद डोर्स अपने क्वालिटी और बढ़ जाती है, बढ़ जाते हैं। प्लस ये देखना भाई कितने आराम से अपने गेट्स क्लोज हो जाते हैं। थोड़ा बैक में बात कर ले राम भाई, बैक में कुछ चेंजेस करेंगे? पीछे रिफ्लेक्टर लगाया हमने, ये चेक करो। ठीक है, रिफ्लेक्टर सब अपग्रेड कर चुके हैं और स्किड चेंज कर दिया, स्किड्स पूरी इसमें रिप्लेस कर, और इसमें भी 360 कैमरा लगाया पीछे रियर में बैक एंड पर। तो बैक दिखा दिया, अब इंटीरियर दिखा दे राम भाई इसका। इंटीरियर चेक करो, लग्जरी इंटीरियर कर दिया भैया।
लग्जरी सेगमेंट इंटीरियर कन्वर्ट कर चुके अपनी ब्रीजा के अंदर, मतलब कितनी प्रीमियम लुक आ रही है एमएस लाइट लगने के बाद, तो भाई मतलब चार चांद लग चुके हैं इस गाड़ी के अंदर। के फोर सीरीज के अंदर एमएस लाइट है। डोर से स्टार्ट करते हैं, रामबे क्या चेंजेस है? डोर में सॉफ्ट टच कर दिया हमने, ठीक है, इन वाले पार्ट्स में सॉफ्ट टच मिल जाएगा आपको, बर्फ टाइप डिजाइन। इसके बाद टॉप मॉडल वाला डोर लगा दिया, ठीक है, मतलब ये रिप्लेसमेंट सीन में रहता है वाला सीन, जो पूरा डैशबोर्ड के साथ आता है ये वाला पार्ट प्लस नागिन वाला पार्ट और फ्रंट डैशबोर्ड पूरा इसमें रिप्लेस होता है, चारों अपने डोर के ट्रिम से। क्या कॉस्टिंग पड़ी डैशबोर्ड की? मात्र 1500 रुपए में। 1500 में सारे 6 का पीस का सेटअप, 7 पीस का सेटअप, 7 पीस का सेटअप अपना। इनर हैंडल्स अपग्रेड नहीं करेगा, इनर हैंडल कस्टमर को नीड नहीं थी। क्या कॉस्टिंग है? मात्र 500 रुपए में इनर हैंडल दूंगा, चारों पीस, सिंगल का नहीं बता रहा, चारों का बता रहा हूँ। जितने भी कॉस्टिंग है चारों सेट के हिसाब, चारों सेट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ऑटो फोल्डिंग स्विच मिल जाएगा अगर आप मिरर्स अपग्रेड कराते तो। ट्विटर्स की प्लेसमेंट जेन्युइन प्लेसमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्पीकर्स कौन से लगाए भाई? भैया पोल कॉर्डियो के, पोल कॉर्डियो के फ्रंट में कंपोनेंट, बैक एंड में भी कंपोनेंट सेटअप भी अपग्रेड करा गया, दोनों कंपोनेंट करा पीछे, पूरा साउंड क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही है गाड़ी के अंदर भाई। यहां पर कार में एंटर करने दिखा दो, ये देखो भाई कितनी प्रीमियम लुक आ रही है भाई इन सीट कवर्स के अंदर लगने के बाद। बकेट फिटिंग का प्रोसेस, बकेट फिटिंग करा भैया, टॉप मॉडल वाले सीट कवर लगाए हैं भाई, ये थाई सपोर्ट वाले, थाई सपोर्ट के साथ, और कंफर्ट लेवल अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है, प्लस क्वालिटी भी टॉप नॉच के अंदर अपग्रेड करी गई है। मतलब कहीं से भी 1% रिंकल नहीं दिख रहे सीट कवर्स के अंदर, नहीं ये टॉप मॉडल वाले सीट कवर है भैया। स्क्रीनशॉट लेना हो भाई आप, स्क्रीनशॉट ले तो डिजाइन का बहुत प्रीमियम निकल के आ रहा है। साथ में हेडरेस्ट नहीं आते इस वेरिएंट के अंदर, हेडरेस्ट लगाए ना हमने अलग से। क्या कॉस्टिंग में? मात्र 500 रुपए में, 500 रुपए में दोनों बता रहा हूँ, सिंगल पीस का नहीं बता रहा रेट अभी, सुन लो। और ये आफ्टर मार्केट तो नहीं है ना भैया? जेन्युइन मारुति है भैया, आफ्टर मार्केट तो आते ही नहीं हेडरेस्ट भी, आप कोई कह दे आफ्टर मार्केट है तो पर आते नहीं आफ्टर मार्केट के भाई। देखो जेन्युइन अपग्रेड कर रखे इसके अंदर, मात्र 500 रुपए, मात्र 500 रुपए में। आर्मरेस्ट भैया, आर्मरेस्ट लगा देना टॉप मॉडल वाला, ये चेक करो ना भाई, ये देखो अंदर केबल रखी हुई है। इस पर इंटीरियर और करते थे, मजा आया था मेरे साथ। कस्टमर क्या कहता, कस्टमर टाइम नहीं था, कस्टमर लेट हो रहे थे पहले ही, कि लेडीज का साथ में आई थी, ठीक है। यहाँ पर दिखा दो नीचे फ्लोरिंग का, फ्लोरिंग कर दिया भैया चेकमेट वाली, ठीक है। बेनिफिट्स रहते हैं भाई, कंपनी का कारपेट को सेफ रहने का काम आता है। एक आमरसी कॉस्टिंग रही बता, मात्र 1500 रुपए में, 1500 रुपए के अंदर यहाँ आ जाता है। साथ में डैशबोर्ड दिखा दो भाई, डैशबोर्ड पे अपने जेन्युइन फील्स के अंदर पूरा डैशबोर्ड इसके अंदर रिप्लेस कर चुके हैं। ये कुछ मिल जाती है ब्राउन वाले डैशबोर्ड के अंदर लोग, साथ में नागिन वाला पार्ट भी इसमें पूरा रिप्लेस करा जाता है, ठीक है। ये पूरी लुक दिखा दिया। स्टीयरिंग में चेंजेस, स्टीयरिंग कस्टमर को नीड नहीं थी, कस्टमर ने बोला मेरा इसी पे रैप कर दो, तो मैंने इस पे देखो जिगजैग सिलाई के साथ रैपिंग कर दिया, ठीक है। अब ये चेक करो, ये लुक मिल रही है आपको स्टीयरिंग के ऊपर देखने के लिए। एंड्रॉइड बहुत प्रीमियम लग रहा है इसमें लगने के बाद। हाँ जी भैया, ये प्रॉपर ब्रीजा वाला एंड्रॉइड लगाया गया, ठीक है भाई। बहुत प्रीमियम लुक आ रही है, फ्रंट लुक जिसको बड़ी बड़ी चाहिए वो इसमें अपग्रेड करवा सकते हैं। बाकी टच लेवल इसका चेकआउट करवाए थे, टच लेवल बिल्कुल स्मूथ है। इसके अंदर भाई फोन लिंक है, 360 का ऑप्शन मिल जाता है आपको देखने के लिए। 360 की बात चल रही है, 360 व्यू भी दिखाया था, तो ये देखो भाई कितनी प्रीमियम लुक आ रही है। 3D व्यू पूरा आपके सामने है, ये पूरा 3D व्यू आपको इसके अंदर मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी इसके अंदर सारे ऑप्शन है, ये अपना बैक का आ चुका है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों मिल जाएंगे। ये पूरा फ्रंट एंड व्यू, और नाइट के टाइम भी कितनी अच्छी खासी क्लैरिटी इसके अंदर आपको मिल रही है देखने के लिए आपके सामने। बाकी एक बेसिक एंड्रॉइड कितने स्टार्टिंग मिल जाती है? बेसिक एंड्रॉइड अपना 4000 से स्टार्ट हो जाता है, 4000 रुपए से। हाँ जी भैया, ठीक है। बाकी ग्लॉसी फ्रेम साथ में, स्पीकर हमने बताए दिए, पोल कॉर्डियो अपग्रेड करे गए, और एक मोको का एमपी लगाया 4 चैनल, और डैम्पिंग भी करी, डैम्पिंग भी करी, मतलब साउंड में अच्छा काम करा गया गाड़ी के अंदर। राम भाई ये वाली बात कर ले, सिंगलस होल्डर, ये पहले फिटिंग चेक करो ना भैया, कहीं से कहीं गैप दिख रहा है? गैपिंग इशू माइनर भी इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला, भी मारूंगा निकलेगा नहीं, उंगली भी दबाऊंगा तब भी नहीं आएगा, जेन्युइन है बिल्कुल, डब्बा पैक अपग्रेड करा है, और फिटिंग भी बिल्कुल 0 to 0 इसके अंदर मिल जाती है आपको देखने के लिए। लोग इसमें आफ्टर मार्केट भी लगा रहे हैं ना भैया, आफ्टर मार्केट लगा रहे हैं, क्रेटा वाला लगा देते, क्रेटा वाला लगाओगे तो गैप तो आएगा, ये वाली फिटमेंट नहीं आ सकती भैया। ब्रीजा भी लगा देना इसमें बंदे ने, प्रॉपर भी लगा दे तब भी ऐसी फिटमेंट नहीं ला सकता भाई, इसलिए बोलते जेन्युइन स्टोर से ही काम करवाओ। साथ में इसमें वैनिटी मिरर्स जेन्युइन है, पहले दिखा दूं, ये देखो भाई यहाँ पर मारुति सुजुकी लिखा भी हुआ, ये इसमें आपको मिरर मिल चुका है देखने के लिए, जो अपना बेस मॉडल के अंदर नहीं आते, तो जेन्युइन वैनिटी मिरर्स इसमें अपग्रेड कर चुके हैं, ठीक है। और राम भाई मोटा मोटा खर्चा कितना है इस गाड़ी में? कम से कम इसके अंदर गाड़ी के अंदर खर्चा आया 70,000 रुपए, 70,000 में पूरी बिलिंग रहने वाली है, सारा काम करना आना का है, दिल्ली करो लो, राम का डेको, राम का डेको बाया, स्क्रीन पर सारा नंबर है, डिटेल लेने कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम वर्क में डील करना है, और 95% तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा पेस्टिंग आइटम्स के ऊपर। तो भाई इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, ऐसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, टिल देन बाय बाय।